हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि प्रेजेंट में इंडिया के अंदर जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड के पपी का क्या प्राइस चल रहा है, क्योंकि मेरे बहुत से भाई हैं जो जर्मन शेफर्ड का पपी खरीदना चाहते हैं, उनका प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आप आगे किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हो, या फिर किसी और ब्रीड का अगर आप प्राइस जानना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी जाके कमेंट करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं जो भी प्राइस बताने वाला हूं इस वीडियो में जर्मन शेफर्ड ब्रीड के पपी का, वो बिल्कुल भी प्राइस फिक्स नहीं है, क्योंकि पपी का प्राइस पूरा उसकी क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड होता है। पपी का बॉडी स्ट्रक्चर, पपी का कलर, पपी की एंगुलेशन वगैरह के ऊपर ही उसका प्राइस होता है, ठीक है। और हाँ, ब्रीडरों का अलग प्राइस होता है, पेट शॉप का अलग प्राइस होता है, अगर आपको नियर बाय कहीं से मिल रहा है तो उसका भी अलग अलग प्राइस होता है। मतलब प्राइस जो है पपी की क्वालिटी और आपके के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पपी का क्या प्राइस होगा। और आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अब देखो इंडिया छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, तो सभी के लिए अलग अलग, सभी जगह के लिए अलग अलग प्राइस बता पाना मुश्किल है। लेकिन मैं इस वीडियो में एक ओवरऑल मोटा मोटा आपको प्राइस बता दूंगा कि इतने से पपी की स्टार्टिंग हो जाती है और आप इतने तक का अच्छा पपी ले सकते हो। तो देखो, अगर मैं कोई डॉग ब्रीडर नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे डॉग ब्रीडर्स के ग्रुप में ऐड हूँ व्हाट्सअप में, फेसबुक में, जिसकी वजह से मैं जो डॉग ब्रीड के प्राइस है उनसे अपडेट रहता हूँ, क्योंकि वो पोस्ट डालते रहते हैं सेल परचेज की। तो प्रेजेंट में अगर मैं इंडिया की बात करूँ, चाहे आप कहीं पर भी रहते हो, अगर मैं एक स्टार्टिंग प्राइस करूँ जर्मन शेफर्ड के फीमेल पपी की, जो स्टार्टिंग प्राइस है, मतलब एकदम टॉप क्वालिटी नहीं होगी, सिर्फ जर्मन शेफर्ड की फीमेल होगी, इस टाइम पर इंडिया में 8 से 10 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो रही है जर्मन शेफर्ड की फीमेल। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको, ये नहीं है उसमें ही आपको टॉप मिल जाएगी, नहीं, सिर्फ एक स्टार्टिंग प्राइस है 8 से 10 हज़ार। हाँ, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कि आप कहाँ से ले रहे हो, पेट शॉप से ले रहे हो, ब्रीडर से ले रहे हो, या कहीं नियर बाय से ले रहे हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग प्राइस जो फीमेल का 8 से 10 हज़ार है। और अगर मैं मेल की बात करता हूँ तो दोस्तों, प्रेजेंट में मेल का जो स्टार्टिंग प्राइस है 14 से 15 हज़ार रुपये है जर्मन शेफर्ड ब्रीड का ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। और बाकी तो फिर देखो, मैं आपको दोबारा बता दूं, पप्पी की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है प्राइस। अगर आप देखो, जो मैंने प्राइस बताया स्टार्टिंग प्राइस है फीमेल का 8 से 10 हज़ार रुपये स्टार्टिंग प्राइस है, 14 से 15 हज़ार मेल का है, ये एक स्टार्टिंग प्राइस है जो कि आप नॉर्मल सिंगल कोट वगैरह मान सकते हो। हाँ, अगर आप डबल कोट का पपी लेना चाहते हो, जैसे डबल कोट की फीमेल लेना चाहते हो तो और महंगी मिलेगी, लॉन्ग कोट की लेना चाहते हो तो और महंगी मिलेगी, ऐसे ही अगर आप डबल कोट या लॉन्ग कोट में मेल पपी लेना चाहते हो तो वो भी थोड़ा कॉस्टली आएगा। जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाती है उसी हिसाब से प्राइस भी बढ़ता जाता है, क्योंकि पपी का जो जर्मन शेफर्ड पपी का प्राइस, उसके कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, एंगुलेशन सब पे डिपेंड करता है, उसकी ब्लैक मास्क भी हो जाता है तो उसका भी पैसे बढ़ जाते हैं। तो प्राइस जो है पपी की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आपको एक ओवरऑल प्राइस बताया है कि 8 से 10 हज़ार जर्मन शेफर्ड के पपी की स्टार्टिंग हो जाती है और मेल के 14 से 15 हज़ार स्टार्टिंग हो जाती है। देखो, ये तो था स्टार्टिंग प्राइस। अगर आप लेना चाहते हो तो फिर देखो भाई, आप लाखों करोड़ों में भी डॉग खरीद सकते हो, वो तो फिर आपके ऊपर है सारा सब कुछ कि आपका बजट कितना है। लेकिन एक मैंने आपको स्टार्टिंग प्राइस बता दिया, अब आप खुद देख लीजिए आपको किस तरीके का पपी चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटी चाहिए, और फिर आप नियर बाय अपना प्राइस पता कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको एक ओवरऑल प्राइस बता दिया है, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, फीमेल का प्राइस जो है 8 से 10 हज़ार स्टार्टिंग का है और मेल का 14 से 15 हज़ार। फिर जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है पपी में, कोट की, उसके एंगुलेशन की, उसके बॉडी स्ट्रक्चर की, उसी तरीके से उसका प्राइस भी बढ़ता चला जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप और भी अलग टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।